ड्रग्स एक ऐसा अपराध है जिससे दुनिया का कोई देश आज अछूता नहीं है। ड्रग्स की लत इंसान को बर्बादी की तरफ धकेल देती है और इसकी तस्करी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत लंबे समय से ड्रग्स के अवैध कारोबार से जूझ रहा है, लेकिन 80 के दशक में हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे और इसका कारण था देश की भौगोलिक स्थिति। ड्रग कानून को लागू करने में कई एजेंसियां कार्यरत हैं। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया। तब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारें ड्रग्स के व्यापार, खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार की ड्रग विरोधी नीति के लिए प्रतिबद्ध है और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन के मिशन को हासिल करने में दिन रात जुटा है। वर्तमान में एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसके कार्यालय देश भर में फैले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेरा मानना है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको सभी के समन्वय से ही रोका व समाप्त किया जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई को समन्वयित और संस्थागत बनाया है। इसके लिए गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में नार्को समन्वय तंत्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सभी एजेंसियों के बीच में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करना है, जिससे ड्रग की तस्करी पर अंकुश लगाने में हमें पूर्ण रूप से कामयाबी मिल सकती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में तीसरी शीर्ष स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक में विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। इनमें से एक निर्णय है एनकॉर्ड पोर्टल का स्थापना करना, जो कि स्टेट्स को मदद करेगा। दूसरा निर्णय है कि जो 4 टायर मैकेनिज्म है एनकॉर्ड का, उसको रेगुलरली करना और हर स्टेट को उसमें इन्वॉल्व करना, और ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हर स्टेट में स्थापित करना। तीसरा निर्णय है एक नारकोटिक्स कनाइन पूल, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा एसेट बन सकता है, स्थापित करना, जो स्टेट्स को और सेंट्रल एजेंसीज को भी मदद कर सके। चौथा निर्णय है एक नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन की स्थापना करना, जिसे मानस की संज्ञा दी गई। मुझे लगता है ये सभी डिसीशंस बहुत कारगर और गेम चेंजिंग साबित हो सकती हैं। एनसीबी के लिए ड्रग्स के विरुद्ध लड़ाई पिछले कुछ सालों में और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अब डार्क नेट और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होने लगा है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार लॉकडाउन ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज कर दिया है और ये अनुमान है कि डार्क वेब ड्रग बाजार अब सालाना $315 मिलियन का है। एनसीबी आपराधिक गतिविधियों में आ रहे इन बदलावों का अनुमान लगाने में कामयाब रहा है और एजेंसी अब टेक्नोलॉजी, उपग्रह इमेजरी और साइबर फोरेंसिक्स के माध्यम से इन नवीनतम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। एनसीबी अपने मुखबिरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाता है और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर रेड करता है।
भारत में 2018 से 2021 के बीच 1,881 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। 2011 से 2014 के बीच जब्त की गई ड्रग्स के मुकाबले ये 3 गुना अधिक है। 2018 से 2021 के बीच करीब 35 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। आपूर्तियों में कमी लाने के साथ साथ एनसीबी ड्रग्स की मांग में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है। लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए साल भर नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। एनसीबी के एक ऑनलाइन ई संकल्प अभियान जीवन को हाँ कहें ड्रग्स को ना शुरू किया है। ये संकल्प देश भर में लाखों लोगों ने लिया है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स मुक्त भारत का संकल्प साकार करने के लिए जी जान से जुटा है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए से नो टू ड्रग्स।